नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। राजस्थान में विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस से बागी हुए सचिन पायलट ने आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि ये तीनों के बीच हुई मुलाकात काफी हद तक सकारात्मक रही। ऐसे में संकेत दिख रहे हैं कि सचिन पायलट को कांग्रेस मनाने में कामयाब रही है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस हाईकमान ने सचिन पायलट को ये आश्वासन दिया है कि उनकी सभी परेशानियों को दूर किया जाएगा। आपको बता दें कि 14 अगस्त से ही राजस्थान में विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। उससे पहले सचिन पायलट गुट ने सत्र में शामिल होने के संकेत दिए थे। अब प्रियंका और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि सचिन पायलट अपनी नाराजगी भूलकर पार्टी में वापस आएंगे। इससे पहले भी जब सचिन पायलट ने बगावत की थी तब प्रियंका गांधी से उनकी कई बार फोन पर बात हुई थी और उन्होंने मसला सुलझाने की कोशिश की थी। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच भी जहां एक और अशोक गहलोत लगातार सचिन पायलट पर हमलावर थे तो दूसरी ओर कांग्रेस आला कमान उन्हें पार्टी में लाने की कोशिशों में जुटा था। राहुल प्रियंका समेत कई दिग्गज नेताओं ने सचिन पायलट से बात करने की कोशिश की। बार बार खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सचिन पायलट को वापस आने का न्योता दिया गया था। अब राहुल प्रियंका से पायलट की मुलाकात के बाद उनके पार्टी में लौटने के कयास और तेज हो गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।